वायरस बारे सोशल मीडिया से चल रही गुमराहकुन प्रचार नाल भरिया ऑडियो वीडियोस से गंभीर नोटिस लैंदियां सेहत अते परिवार भलाई मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने सिविल सर्जनां नूं दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए ने। इस बारे होर जानकारी देंदियां सिद्धू ने दस्सिया कि दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने लई डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता ने समूह जिला अफसरां नूं तुरंत कार्रवाई करने दीआं हदायतां जारी कीतीआं ने, जिस तहत पुलिस विभाग के साइबर विंग के दोषियों का पता लगाने लई तफतीश जंगी पद्धर ते शुरू कर दी है। उन्होंने दस्सिया कि बीती कल पटियाले दे गिरीश भट्टवासी रंजीत नगर नूं नामजद किया गया है। इस व्यक्ति ने इंस्टाग्राम से कोरोना महामारी बारे एक झूठा वीडियो अपलोड किया सी। पुलिस ने इस नूं गिरफ्तार करके इसका फोन भी जब्त कर लिया है। इसे ही तरह पटियाला दे थाना सिविल लाइनज विखे सरबजोत सिंह सोनू वासी गोविंद नगर नूं भी नामजद करके गिरफ्तार किया गया है, जिसने एक फेसबुक ग्रुप विच पोस्ट पा के पिंडा विच कोविड 19 दे टेस्ट करन लई सैंपल लैण अते कोविड बारे प्रचार करन जांदियां सेहत विभाग दीआं टीमां अते कोरोना योद्धियां बारे भरम भुलेखे पैदा करके अफवाहां फैलाईआं सी। बलबीर सिंह सिद्धू ने यह भी आख्या कि इस समय पंजाब जां भारत ही नहीं पूरा विश्व कोरोना की महामारी दे करोप नाल लड़ रहा है। सेहत मंत्री ने लोगों नूं अपील करदियां आख्या कि वह अफवाहां विच विश्वास ना करन अते जेकर किसी ऐसे शरारती व्यक्ति का पता लगता है जो कोरोना संबंधी लोगों नूं गुमराह कर रहा है जां कोरोना की दवाई बनाउण दा दावा करता है तां इसकी सूचना तुरंत सेहत या पुलिस विभाग नूं कीती जावे तां जो इन्हां दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।